लिफ्ट स्किल चैनल के ऑप्शन हेजिंग से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी वर्किंग प्रोफेशन में हैं, वो यहाँ पर ऑप्शन मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, स्पेशली हेजिंग के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम इतना नहीं है कि वो हर आधे घंटे में यहाँ पर मार्केट को वॉच कर सकें, स्क्रीन को वॉच कर सकें। तो वो यहाँ पर क्या हेजिंग का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, तो आज के वीडियो में इसी टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूँ। इसी तरीके की एक हेजिंग कॉम्बिनेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा जिसमें एक लो टाइम इन्वेस्टमेंट की यहाँ ज़रूरत होती है। तो इस वीडियो को अगर आप आखिरी तक देखते हैं तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा बेनिफिट आपको मिल सकता है। अब यहाँ पर हम निफ्टी का एग्जांपल लेके समझेंगे, इजियर नंबर लेके हमें आपको यहाँ समझाऊंगा। नंबर इजियर इसलिए ले रहा हूँ कि हमको यहाँ पर कॉन्सेप्ट को सीखना है। अगर हम कॉन्सेप्ट सीख गए तो फिर नंबर एक्स वाई जेड कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ हम निफ्टी का एग्ज़ाम्पल भले ही लेंगे लेकिन ये सिमिलर तरीके से, चाहे ये बैंक निफ्टी हो चाहे स्टॉक हो, ये सिमिलर तरीके से यहाँ पर वर्क करता है। चलिए अब हम यहाँ पर उस कॉन्सेप्ट को, उस हेजिंग से रिलेटेड कॉम्बिनेशन को समझना शुरू करते हैं। तो यहाँ जिस हेजिंग से रिलेटेड कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम होता है लॉन्ग आयरन कॉन्डोर। लॉन्ग आयरन कॉन्डोर ऐसा हेजिंग का तरीका होता है जिसमें एक लो टाइम इन्वेस्टमेंट की हमको यहाँ पर ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर कुछ बेसिक पॉइंट को समझना ज़रूरी है कि भाई यहाँ पर हम लो टाइम इन्वेस्टमेंट हेजिंग के कॉम्बिनेशन को यूज़ करना चाहते हैं और यहाँ पर इस मार्केट में हम नॉन डायरेक्शनल हेजिंग पे काम करना चाहते हैं। मतलब हमको यहाँ डायरेक्शन पिक करने की ज़रूरत नहीं पड़े कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बस हमारा प्रेडिक्शन इतना ही रहेगा कि भाई इस वीक में एक मार्केट में बड़ा मूवमेंट आएगा। तो अगर एक बड़े मूवमेंट की पॉसिबिलिटी हमको लगती है, चाहे वो ऊपर की तरफ आए या नीचे की तरफ आए, तो यहाँ पर हम सक्सेसफुल तरीके से कुछ ना कुछ अर्न कर सकें। तो यहाँ लॉन्ग आयरन कॉन्डोर का यूज़ तब करते हैं जब इस वीक में एक थोड़ा बहुत मूवमेंट आने की हमको पॉसिबिलिटी लगती है। अब लॉन्ग आयरन कॉन्डोर में क्या होता है, ये किस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है? लॉन्ग आयरन कॉन्डोर में जैसे मैंने कहा ये नॉन डायरेक्शनल हेजिंग का तरीका होता है, हम सिर्फ एक मूव को पिक करते हैं कि भाई इस वीक में मूव आएगा। तो अब यहाँ पर निफ्टी का एग्जांपल लेके हम समझ लेते हैं ताकि हमको समझने में काफ़ी आसानी रहे। निफ्टी सपोज 19,000 के लेवल पर यहाँ ट्रेड कर रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इस वीक में 300-400 पॉइंट ऊपर या 300-400 पॉइंट नीचे किसी भी तरफ एक मूव आ सकता है। मान लो मैंने कहा 300 पॉइंट का ऊपर या 300 पॉइंट का नीचे मूव आ सकता है निफ्टी में। निफ्टी यहाँ से 19,000 से 19,300 जा सकती है या 18,700 तक जा सकती है, ये मेरा एक प्रिडिक्शन है। तो अब यहाँ पर इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि 19,200 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन, 19,200 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन जिसका प्राइस मान लें यहाँ पर 20 चल रहा था, इसका 20 में हमने एक लॉट बाय कर लिया। अब इसके बाद वाला स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ मनी होगा, वो भी 19,300 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन, मान लो उसका प्राइस यहाँ 10 चल रहा था, उसका एक लॉट हमने यहाँ पर सेल कर दिया और उसी तरीके से एक आउट ऑफ मनी यहाँ पर पुट 18,800 स्ट्राइक प्राइस का पुट, मान ले उसका प्राइस भी यहाँ 20 चल रहा था, उसका एक लॉट 20 पर हमने बाय कर लिया। अब यहाँ पर उसके बाद वाला स्ट्राइक प्राइस यानी 18,700 स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन, मान ले उसका प्राइस 10 चल रहा था, उसका एक लॉट हमने यहाँ पर 10 पर शॉर्ट कर दिया।
यानी यहाँ पर हमने एक आउट ऑफ मनी कॉल बाय करा नियर स्ट्राइक प्राइस का, उसका फॉर स्ट्राइक प्राइस का एक लॉट कॉल सेल कर दिया। उसी तरीके से हमने आउट ऑफ मनी एक लॉट पुट को बाय करा और उसके फॉर स्ट्राइक प्राइस का आउट ऑफ मनी एक लॉट पुट यहाँ पर हमने सेल कर दिया। तो ये जिस तरीके का कॉम्बिनेशन क्रिएट हुआ, ये अपने आप में लॉन्ग आयरन कॉन्डोर कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब यहाँ पर मेरा क्या प्रिडिक्शन था कि भाई निफ्टी 19,000 से 19,300 या उससे ऊपर कहीं जा सकती है, या निफ्टी अगर गिरेगी तो 18,700 या उससे नीचे कहीं जा सकती है, ये मेरा प्रिडिक्शन था। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कर लिया। मैंने स्ट्राइक प्राइस वो शॉर्ट करे जिस जगह पर मुझे लग रहा था इससे ऊपर या यहाँ तक ये जा सकती है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ मैंने स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करा। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस कॉम्बिनेशन को क्रिएट करने के बाद अगर इस कॉम्बिनेशन में हम देखें कि भाई मैक्सिमम रिस्क हमारी क्या हो सकती है, तो इस कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम रिस्क जो होगी हमारी वो रहेगी एक 20 पॉइंट की। अगर आपका ऑप्शन का बेसिक क्लियर है, बेसिक कैलकुलेशन कर लेते हैं आप, तो ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन भी है, सुपर हेड हेजिंग से रिलेटेड कुछ मेरे पेड वीडियो कोर्सेज हैं, अगर आप उन्हें लेना चाहते हैं उसकी डिटेल जानकारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो मैक्सिमम रिस्क है 20 पॉइंट की और मैक्सिमम रिवॉर्ड जो इस कॉम्बिनेशन में है वो हमको मिल सकता है यहाँ पर 80 पॉइंट का। मैक्सिमम रिवॉर्ड हमको यहाँ पर 80 पॉइंट का मिल सकता है। और जो हमारे ब्रेक इवन पॉइंट हैं, ब्रेक इवन पॉइंट अगर हम बात करें कि जिसके ऊपर एक्सपायरी होगी तो हम प्रॉफिट में रहेंगे, या जिसके नीचे एक्सपायरी होगी तो हम प्रॉफिट में रहेंगे, तो ऊपर का हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है 19,220 का लेवल और नीचे का हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है 18,780 का लेवल। इसके नीचे अगर एक्सपायरी होगी कहीं भी तो हम प्रॉफिट में रहेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा 80 पॉइंट का है, और इसके ऊपर अगर एक्सपायरी होगी तो हम प्रॉफिट में रहेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट 80 पॉइंट का है। तो ये तो हुआ कि भाई एक लॉन्ग आयरन कॉन्डोर हेजिंग कॉम्बिनेशन क्या होता है, क्या रिस्क है, क्या रिवॉर्ड है, क्या ब्रेक इवन पॉइंट हमारे निकल के आए। और ये चूंकि फुल्ली कवर्ड पोजीशन है इसलिए रिक्वायर्ड मार्जिन भी कोई यहाँ ज़्यादा नहीं लगता है। अब क्या हुआ, जैसे मेरा प्रिडिक्शन था कि भाई मार्केट में ऊपर या नीचे की तरफ वन साइडेड मूवमेंट आएगा, मैंने कॉम्बिनेशन क्रिएट कर दिया, क्रिएट करके देख रहा हूँ, एक दिन हुआ, दो दिन हुआ यहाँ पर, लेकिन वन साइडेड मूव नहीं आ रहा, हम नियर एक्सपायरी बढ़ रहे हैं, हमको अगर ऐसा लगने लगे कि यार मेरा प्रिडिक्शन फेल हो गया, तो ठीक है हम पूरे कॉम्बिनेशन में से बाहर भी हो सकते हैं। मैक्सिमम रिस्क तो एक्सपायरी डेट के दिन 3:30 बजे हो सकती है, उससे पहले क्या होगा, ये जो डीप आउट ऑफ मनी कॉल और पुट राइट कर रहे हैं इसमें प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से डिके होगा। तो जो भी थोड़ा बहुत 1-4 पॉइंट कम ज़्यादा जो भी लॉस हो रहा है बुक करके हम बाहर निकल जाएं, या यहाँ पर अगर हम सही होते हैं तो अगर हम देखेंगे कि निफ्टी एक्सपायरी के दिन यहाँ 200 पॉइंट ऊपर तक अगर यहाँ तक भी पहुँच गई, या एक्सपायरी के दिन यहाँ तक भी निफ्टी पहुँच गई, तो भी एज सच हमको लॉस नहीं दिखेगा, बाकी चीज़ें मान लो सारी ज़ीरो हो जाएंगी। लेकिन अगर यहाँ तक पहुँची तो ये उस दिन एक्सपायरी के दिन एटीएम हो जाएगा, और एटीएम होने की वजह से इसमें कुछ 20, 30, 40 पॉइंट का प्रीमियम तो रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पर हम उस कंडीशन में भी एक माइनर लॉस या थोड़े बहुत लॉस में यहाँ बाहर हो सकते हैं कि अगर यहाँ से सिर्फ 200 पॉइंट का भी इसने अगर ऊपर या नीचे की तरफ यहाँ मूव करा, और अगर वन साइडेड निकल गई ऊपर या नीचे की तरफ, तो ये जो प्रॉफिट है ये तो हमको होगा ही होगा। तो इस कॉम्बिनेशन की दूसरी खास बात क्या है कि हमको हर आधे घंटे में इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार हमने कॉम्बिनेशन क्रिएट करा, फिर हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं
कि ऊपर या नीचे की तरफ मूवमेंट जब भी आए और जब भी हमको ऐसा लगे कि यह कैलकुलेटेड रिटर्न या सफिशिएंट प्रॉफिट मिल रहा है या हम मैक्सिमम के लिए जाना चाहते हैं, जो भी हम डिसाइड करें उसके लिए यहाँ पर हम वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन का बिग टेस्ट आप करिएगा। अलग अलग दिनों में आउट ऑफ मनी कॉल पुट के प्रीमियम अलग अलग होते हैं यहाँ पर, तो एटलीस्ट 4-5 बार इसका बैक टेस्ट करिए और देखिए कि ये कॉम्बिनेशन किस तरीके से आपके लिए फ़ायदेमंद होता है या नहीं होता। तो आज के वीडियो में इतना ही। काफ़ी सरल तरीके से इस कॉम्बिनेशन को मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। आने वाले दिनों में हेजिंग से रिलेटेड और काफ़ी सारे यहाँ पर कंटेंट मैं अपलोड करने वाला हूँ। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपका हेजिंग से रिलेटेड अलग अलग कॉम्बिनेशन, कैलकुलेशन, एडजस्टमेंट और बेसिक सीखने में इंटरेस्ट है तो यहाँ पर कुछ नॉमिनल चार्जेस में पेड वीडियो कोर्सेज भी हैं, जिनकी डिटेल जानकारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। थैंक यू।